चौथा काम क्या नहीं करनी चाहिए,
बोले पति पत्नी में जो मिलन, जो संतान का जो उत्पत्ति, वो शाम का समय में नहीं होनी चाहिए, उस समय नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज जो भगवान वराह देव जन्म हुए, क्यों जन्म हुए, बोले कारण है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो राक्षस कहते हैं। इनकी जो माता जी का नाम थी दीप्ति, एक दिन ठीक शाम का समय में उसने बड़ी सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करते हुए उसने सीसा को सामने खड़ी हो गई। खड़ी होकर के एक राजकुमार बची नहीं, बैठ चुपचाप बैठो, उठना नहीं वहां से। इसलिए वो बड़ी सुंदर सीसा को सामने खड़ी होकर के श्रृंगार की, राजकुमार देखने में बड़ी सुंदर थी, लेकिन जब उसने श्रृंगार की, श्रृंगार को देख करके स्वयं काम में मुक्त हो गई, अपना रूप को देख करके। इतने में पति की याद आई और पति श्री कश्यप जी, कश्यप जी को पास में गई। कश्यप जी ने समझाया, देखो दीदी, ये जो समय है वो सही समय नहीं है, वो बार बेला समय है और यहाँ पर शंकर जी जितने भूत पिशाच को लेकर घूमते रहते हैं, इस समय मत मिला करो। लेकिन वो इतनी कामातुर हो गई थी, उसने जोर जबरदस्ती पति से मिली तो उसके बाद में कश्यप जी ने कहा, दीदी तुमने अच्छी काम नहीं किया, तेरे पेट में राक्षस जन्म करेंगे, राक्षस जन्म लेंगे। अब देखना, कोई कोई बच्चा होता है खूब पिताजी की आज्ञा करने होता है, लेकिन कोई कोई बच्चा ऐसे होता है इतने उद्दंड रहे, इतने उद्दंड रहे हैं। एक संत बोल रहे थे, पहले एक गुंडा पूरा गाँव में होता था, अभी घर घर में गुंडे हो गए, घर घर में गुंडे जन्म ले दिए। इसलिए कभी बात नहीं सुनता है, जहां पर जाओ ना, जिस घर में जाओ, बेटा बात ही नहीं सुनता है, बेटा बात ही नहीं सुनता है। कहती जो दोष है ना, ये गर्भ का संस्कार, जिस दिन ये गर्भ का संस्कार हो वो समय सही होनी चाहिए गर्भ संस्कार। और दूसरे जो संस्कार है, कहते गर्भ में बच्चे रहते हुए माता को उल्टा पुलटा फिल्म नहीं देखनी चाहिए, गद्दी गजे डिस्को डांस उल्टा पुलटा नहीं देखनी चाहिए। क्यों? जो देखोगे तुम्हारे पेट के ऊपर में वही असर पड़ेगी। इसलिए उस समय में गीता भागवत रामायण है, ये सब भक्ति की ग्रंथ पढ़नी चाहिए, भगवान की सुंदर सुंदर तस्वीर देखनी चाहिए, ठाकुर जी को कोई लीला देखनी चाहिए। बच्चा बड़ा संस्कारी होकर वो बच्चा जन्म ग्रहण करेगा, बड़ा संस्कारी लेगा। इसलिए ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो जन्म हुई। जब जन्म हुए इतने में वो दीदी ने तो गलती कर दी, लेकिन बाद में बड़ी दुखी हुई, पति को चरण में गिर गई, बोले मेरे अपराध को माफ करो, तो मेरे से गलती हो गई। बोले देखो तेरे बेटे का राक्षस बनेगी, क्योंकि जिस समय तुमने मेरे साथ में मिली वो सही समय नहीं था, लेकिन चूंकि तुमने अपना दुख को है, अपना दोष को तुमने स्वीकार किया है, लेकिन बेटा तो राक्षस बनेगा, लेकिन बेटा का जो बेटा बनेगा ना वो भगवान की परम भक्त बनेगा। बोले कौन हुए? बोले श्री हिरण्यकश्यप, कहते श्री हिरण्यकश्यप को बेटा श्री प्रह्लाद रूप में जन्म, श्री प्रह्लाद महाराज जो कृष्ण की बड़े भगत हुए हैं, सर्वत्र जो भगवत दर्शन करते थे और जिनके लिए साक्षात श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसलिए आज वो दो भाई हुए हैं, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को तो श्री वराहदेव वध किया और हिरण्यकश्यप को श्री नरसिंह भगवान ने वध किया है। इसलिए राक्षस का नाम क्या दोनों का? बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बोले भैया इसका मतलब क्या? थोड़ी बहुत हिंदी समझते हो? कौन कौन है हिंदी समझते? देखो क्या, ये हिरण्य मतलब होता है सोना और कश्यप मतलब होता है बिस्तरा, जिसका बिस्तरा ही सोना ही सोना। बोले इसका मतलब क्या? बोले कलियुग का जो स्थान है, परीक्षित महाराज सुवर्ण में दिया है, ये सुवर्ण में कली को स्थान दिया। हिरण्यकश्यप मतलब होता है जो खाली कली, कली है जो जितने सारे गंदी चीज में जिसका आश्रय है, जिसका बिस्तरा ही कली है, कली बिस्तरा, जहां पर पान बीड़ी सिगरेट शराब है, जहां पर गंदी गंदी चीज को जहां पर ग्रहण करते हैं, हैं? इसलिए वहां पर कली का निवास। इसलिए कली का निवास कहां पर है? जुआ नहीं खेलनी चाहिए। दूसरे चीज क्या है? किसी तरह का नशीली वस्तु मत लो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम
गांजा भांग शराब ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। शराब तो बहुत ही गंदी चीज है, हैं? हम कहते हैं ना कि शराब पीते तीन लाभ है, कितना लाभ है? तीन लाभ। क्या क्या है? पहला नंबर बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा रहे तब तो बूढ़ा बनेगा, वो तो पी पी कर आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, बूढ़ा कहां से बनेगा। दूसरा नंबर चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तब से चोरी होगी, वो तो बेच बाज कर पी पा कर खत्म कर देगा। तीसरा नंबर कुत्ते दोस्त बन देंगे, कहीं पी पा कर रोड पर पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह में पेशाब कर देंगे। इसलिए ये सब चीज से आप लोग भी दूर रहना, बच्चों को भी दूर रखवाना, उनसे बच्चों को भी दूर रखवाना, ठीक है ना। इसलिए ये हिरणाक, और हिरणाक मतलब क्या, हिरणकशिपु का मतलब हो गया जहाँ केवल पाप पाप, जहाँ पर कली ही बिस्तरा है। बोले हिरणाक मतलब क्या, हिरण मतलब होता है सुवर्ण, अख्य मतलब होता है आंख, जिनकी आंख में सोना बैठा हुआ। मतलब क्या, जिनकी आंख में केवल गंदी गंदी चीज को जो देखने वाले हैं, जिनकी आंख केवल गंदी चीज में ही जाती हुई। अगर जो देखो जो मेन वस्तु है ना, कभी आंख है, क्या है? कभी आंख है, क्योंकि जो चीज हमें आंखों से देखेंगे ना वही हृदय में जाएगी, और वही चीज ही हम याद करते हैं। अब देखना, अब भजन करने के लिए बैठ जाओ, अब भजन के लिए बैठ जाओ, अब देखना इन्हीं आंखों से जो जो चीज देखी होगी होगी ना, वही वही चीज याद आए, वही वही चीज। इसलिए एक संप्रदाय में एक संत हुए जिनका नाम श्री बिल्लो मंगल, जिन्होंने अपना आंख ही फोड़ दिए। बोले नरे का बांस और नबजगी बांसुरी, भजन करने के लिए गए तो उनका आंखों में जो देखी हुई चीज वही चीज जिनको याद आए, हैं? फिर उन्होंने एक वेश्या ने उनको तिरस्कार की, भजन के लिए गए फिर चीज में गंदी चीज में आसक्ति हो गई। बोले ये आंख जिस दिन ने गंदी चीज, इसलिए पहले जो सिनेमा आती थी ना, अब देखना अच्छी अच्छी शिक्षा हम लोग को चीज आती थी, उसमें कोई गंदी चीज नहीं है, रामायण कृष्ण लीला सब महाभारत आती थी। लेकिन अभी देखो पर ये स्मार्टफोन आ गया, ये तो इतने काल बन गया, ये इतने काल बन गया चीज का, है जिससे जितने सारे गड़बड़ी थी इससे ही बच्चे जो भ्रष्ट हो रहे हैं, केवल इसी से ही भ्रष्ट हो रहे हैं। इंटरनेट उसमें शादी कर देते, उसमें डाइवोर्स कर देते, शादी उसमें और उसमें डाइवोर्स उसमें कर देते हैं। इसलिए इसलिए लेकिन उसको बंद किसने किया? बोले श्री वराहा देव ने बंद किया है। मतलब कहती हमारी जो इंद्रियां जो गंदी चीज में जाती हैं, आंखें जो गंदी चीज में जाती हैं, हमारी मन जो भोग वस्तु में जाती हैं, इसको कौन खत्म कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। ये भगवान ही ये चीज को, वही ये चीज को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम ऋषिकेश। क्या नाम है? ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या? बोले ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां, और ऋषिकेश मतलब होता है इंद्रियों का जो अधिपति। कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण है। अगर भगवान की कृपा होना तभी तो हमारे हृदय से ये सब गंदी चीज हृदय से जा सकती, नहीं तो हृदय से सब चीज जाहिर नहीं जाती हैं। इसलिए आज श्री वराहा भगवान का जन्मतिथि है। बोले जिस समय मनु महाराज ने ये सृष्टि करने जा रहे थे, लेकिन सृष्टि है ही नहीं, पृथ्वी है ही नहीं, वो तो रसातल में हिरण्याक्ष ने रसातल में ले गया था, फिर ब्रह्मा जी ने छींके छींके तो उनको नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ, और देखते 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 उन्होंने विशाल रूप धारण किया। यदि ये कौन है? बोले श्री भगवान वराहा भगवान। बोले श्री वराहा भगवान की जय। खैर उन्होंने छलांग लगाया, लगा करके उन्होंने पृथ्वी को उठा करके अपना धुरी पर स्थापित की। फिर मनु महाराज ने धीरे 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 मनु महाराज ने ये सारे सृष्टि को उन्होंने प्रारंभ किए। इसलिए आज श्री भगवान श्री वराह देव का आई जन्मतिथि है। हम सबके सब श्री वराह भगवान को और नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर, हे ठाकुर जी हमारे पास में जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये हमारे पास में, और किसके पास में नहीं, हमारे आंखों में गंदी चीज बैठा हुआ और हमारी भोग की जो वासना है, इसलिए इनकी कृपा से दूर होगा। हम सब भी को ऊपर में आप कृपा और आशीर्वाद करो, जैसे हम लोग ये झरना और झरना कसम को बंद कर सके,
और हमारे हृदय में ये भगवान की भक्ति जो कृष्ण भक्ति जैसे हमारे हृदय में प्रकट हो। बोले श्री वराहा भगवान की जय। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। और आज है श्री एकादशी तिथि। आज श्री एकादशी तिथि हम लोग यहाँ पर रोज जो कथा सुनते थे, बताओ तो क्या कथा सुनते थे? हम रोज रोज क्या कथा सुनते थे? नवद्वीप धाम कथा सुन रहा था। बोलो तो नवद्वीप धाम कैसे प्रकट हुआ? खड़े हो जाओ। माइक जोर से बोलो। नवद्वीप धाम जो है राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ है। राधा रानी ने नौ कुंजों को बनाया है नवद्वीप धाम में, जैसे कि कृष्ण भगवान बताते हैं कि ब्रज में जब वो आए थे तो सबसे ज़्यादा राधा रानी ने उनके भावों का अनुस्वादन किया। कृष्ण को मतलब सभी लीलाओं में बहुत आनंद हुआ, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि राधा रानी किस भाव का इतने मतलब मेरे से वो कौन सा रस है वो जो राधा रानी अनुस्वादन करते हैं, उनको पता नहीं चला ब्रज लीला में। इसी वजह से उन्होंने नवद्वीप धाम में राधा रानी के जो हृदय से प्रकट हुआ है उसमें राधा रानी की अंग कांति और भाव को लेकर के वो प्रकट हुए हैं। और नवद्वीप और क्या है? और नौ कुंज बने गुरुदेव उसमें, जिसमें आपने अंतरिक्ष द्वीप के बारे में बताया था जो गोकुल भी है, क्योंकि जो नवद्वीप है वो एक कमल फूल के समान है और उसमें बीच में जो है ये नवद्वीप में गोकुल से अंतरद्वीप आ गया जहाँ पर मायापुर। ये बच्चे किसके हिस्से को बोल रहे हैं? लोकल के ये बच्चे ना। और क्या है? और क्या है? और कुछ याद नहीं ना? महाप्रभु का जन्म तिथि है श्री श्री गौरव पूर्णिमा है, जो होली होता है ना, होली का दिन श्री चैतन्य महाप्रभु होली में जन्म हुए। हम सबके साथ श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे हैं। यदि नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से क्या फल मिलता है, इसलिए स्वयं शंकर जी ये बात पार्वती को ये बात कहते हैं। ध्यान देते सुनो, कहते हैं पार्वती ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ हैं, कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों बार सारे तीर्थ को परिक्रमा कर ले, दर्शन कर ले, उसमें जो फल की प्राप्ति होती है, अगर एक बार कोई श्री नवद्वीप धाम की अगर कोई एक बार कोई परिक्रमा कर ले, उससे करोड़ों करोड़ों गुण ज्यादा फल मिलता है, करोड़ों करोड़ों गुण ज्यादा फल मिलता है कोई नवद्वीप धाम का अगर कोई परिक्रमा करे। ये नवद्वीप धाम और कुछ नहीं, कृष्ण ही है। जब उन्होंने कलयुग में राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के कृष्ण स्वयं श्री नवद्वीप धाम में कृष्ण ही प्रकट हुए हैं। अगर कोई ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, कहते ब्रज मंडल श्री 84 क्रोश है। कितना है? 84 क्रोश। 84 क्रोश से श्री ब्रज मंडल है। कहते जो हम भगवान को भूल करके ये 84 लक्ष जन्म हम ये संसार में भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर में हम सब के सब भटक रहे हैं। अगर कोई ये 84 ब्रज मंडल कोई परिक्रमा कर ले, कहते उसको जो 84 लक्ष जो जन्म है ये जन्म मृत्यु का चक्कर से उसको चिरकाल के लिए मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई श्री ब्रजमंडल 84 क्रोश को कोई परिक्रमा लगाए, कहते वही कृष्ण कहते श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में श्री नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं। इसलिए श्री नवद्वीप धाम को बताया ये गुप्त वृंदावन है। ये क्या है? गुप्त वृंदावन। ये गुप्त वृंदावन, बोले गुप्त वृंदावन मतलब क्या? बोले श्री वृंदावन धाम कहते गुप्त रूप में श्री नवद्वीप में विद्यमान। अगर कोई ब्रजमंडल 84 क्रोश का कोई परिक्रमा करे, उसको केवल वृंदावन धाम परिक्रमा करने का फल मिलेगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई श्री नवद्वीप धाम को परिक्रमा करे, तो कोई अगर श्री नवद्वीप धाम को परिक्रमा करे उसको दो फल मिलेगा, उसको तो वृंदावन धाम का परिक्रमा करने का फल मिल जाएगा, उसको नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का फल भी मिलेगा।
इसलिए उनको दो परिक्रमा करने का फल उसको मिलेगा। अगर कोई श्री नवद्वीप धाम को कोई परिक्रमा करे तो, इसलिए नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का। बोले श्री नवद्वीप धाम की जय। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। देखो कहते जो नवद्वीप धाम है, सब चुपचाप बैठ जाओ, जो जहां पर बैठे वहीं पर बैठ जाओ, वे बात मत कर। बोले श्री जी नवद्वीप जो धाम है, कहते जैसे से ब्रह्मा जी ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण का वो वत्स को चोरी किया, बछड़े और सखाओं को चोरी की। लेकिन ब्रह्मा को जो पता चला ये कृष्ण है, भगवान है, इन्होंने आकर के कृष्ण के चरण में माफी मांगी। बोले प्रभु मेरे अपराध को माफ कर दो, मेरे पता नहीं चला, आ गई मेरे प्रभु। लेकिन कृष्ण तो माफ किए लेकिन वो हृदय से नहीं माफ किया, इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा मेरे अपराध कैसे भंजन होगा, ये अपराध दूर कैसे होगी। फिर ब्रह्मा जी कठोर तपस्या से नवद्वीप धाम में किए। फिर भगवान अपना अंतर हृदय की बात ब्रह्मा जी को बोले, देखो ब्रह्मा मैं फिर कलयुग में श्री नवद्वीप धाम में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बच कर जाऊंगा। लेकिन वो जो अवतार है वो इतने दयालु इतने कृपालु है, क्योंकि वही कृष्ण ही उन्हें राधा जी की भाव अंग गति लेकर के आए, इसलिए राधा रानी बड़ी दया। कृष्ण तो तीन जगह से टेढ़े हैं, लेकिन हमारी जो किशोरी जी है ना टेढ़ी नहीं सीधी है, इसलिए वृंदावन में जाओ इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राधा रानी का सबके सब राधा जी का नाम लेते हैं। बोले क्यों, बोले राधा रानी बड़ी दया, राधा रानी बड़ी कृपा, दूसरी राधा रानी है, इसलिए चुके राधा जी की भाव अंगकांत लेकर के आए, आने का नाते वो बड़े दयालु बने। उन्होंने कोई भी इनको सामने एक बार आ जाए, जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, उन्होंने ये विचार नहीं किया, देखो पहले उसने इतने अपराध किया है, इतना अपराध किया उसको माफ नहीं करूंगा, एक बार केवल आकर के महापुरुष के चरण में गिर जाओ, उन्होंने सारे अपराध दूर कर दिया। इंद्र भी उन्होंने भी गोकुल को डूबने के लिए कोशिश किया, प्रलय ले आया। इंद्र को पता जब चला ये कृष्ण भगवान है, इंद्र भी माफी मांगने आए, माफ तो किया लेकिन दीन से माफ नहीं किया, फिर इंद्र ने तपस्या की, मेरी अपराध कैसे दूर होगा। फिर महाप्रभु बोले देखो ये नवद्वीप धाम में मैं जन्म लेने वाला हूँ, अगर तू नवद्वीप में भजन करोगे ना तुम्हारी सारा अपराध दूर हो जाएगा। इसलिए इंद्र भी वहीं पर तपस्या किया है, एक स्थान का नाम श्री सुरभि गुंज, सुरभि गुंज है। इसलिए श्री नवद्वीप धाम अगर कोई परिक्रमा करे, श्री नवद्वीप धाम जाए कोई परिक्रमा करे, जितने हमारे पाप है ना, हम जीवन में ये दुख कष्ट क्यों भोग करते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म का फल है, ये पाप का फल है। लेकिन एक बार अगर कोई श्री नवद्वीप धाम जाता है उसको सारे अपराध सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे अपराध उसको सारे पाप उसको दूर हो जाती है, जो श्री नवद्वीप धाम में जाकर के श्री नवद्वीप धाम की जो परिक्रमा करे। इसलिए श्री नवद्वीप धाम की बड़े महत्व है। अभी आप लोग सुन रहे थे ना, ये नवद्वीप धाम ने ही श्री राधा रानी अपना हृदय से ये नव कुंज बनाया, ये नव कुंज बनाया। बोले क्यों कुंज बनाए, पहले मैंने कथा सुनाया था ना, क्या सुनाया था याद किसको है। बोले एक दिन श्री राधा रानी देखती है श्री श्याम सुंदर बिना बोले कहीं चले जाते, ठीक एक समय आए तो ठीक उसी समय में कहीं गायब हो जाते बिना बोले, लेकिन जब वापस आते है ना राधा रानी देखते इनका जो मन है थोड़ा बेपरिसार है, मन में चंचलता है, राधा रानी के अंदर में डाउट हो गई। जैसे पति अगर कहीं जाए वो तो बोल करके जाएगा ना पत्नी को, अमुक स्थान पर जाना हो काम करके मैं वापस आ जाऊंगा, फिर ये छुप छुप कर क्यों जाते हैं, और वहां जब आए फिर इनका मन में चंचलता दिखाई पड़ते हैं। राधा रानी समझ गई हो ना हो ये और किसको प्रेम करते हैं, ये छुप छुप करके और किसको ये प्रेम करते हैं। राधा जी के अंदर में डाउट हो गई, राधा रानी ने एक सखी को भेजा, तुम देख कर क्या हो तो कृष्ण ठीक इसी समय होने पर कहीं चले जाते बिना बोले। सचमुच से वो सखी ने देखा जैसे ये वृंदावन धाम बड़ी सुंदर है, कदम प्रीत कमाल प्रीत है,
सुंदर जमुना नदी बह रही है, उन्होंने देखा ऐसे ही और एक अद्भुत धाम है जहाँ पर श्री गंगा नदी बह रही है। गंगा जमुना दोनों नदी, जहाँ पर कटहल का पेड़, नारियल का पेड़, आम का पेड़, बड़े सुंदर बेली चमेली जुई, बड़ी सुंदर सुंदर अद्भुत स्थान है ठीक वृंदावन जैसे। और उन्होंने देखा सचमुच से और एक सखी है जिसका नाम थी श्री बिरजा सखी, जिसका नाम था बिरजा सखी। कृष्ण जाकर के गुप्त रूप में उसको साथ में मिल गए और उसने राधा रानी को बोलती सचमुच से तुम्हारी शंका सही है। पर राधा रानी स्वयं वहां पर आ गई तो कृष्ण देख कर तो डर गए, बोले राधा रानी कैसे पता चला, वो कहीं अंदर ध्यान हो गए। इतने में वो जो सखी थी वो भी गायब हो गई। इतने में कृष्ण वहां पर खड़ी होकर की बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसरी बजाए। जब उन्होंने बंसी ध्वनि की है तो वहां पर श्री श्याम सुंदर प्रकट हुए, पर राधा कृष्ण दोनों मिल करके एक श्री चैतन्य महाप्रभु बन गए। और जितनी वहां पर जो सखियां थी ना, बोले भैया ये क्या हो गया, ये दोनों मिलकर तो एक महाप्रभु का रूप हो गए। इतने में जितने सखियां थी वो तो सबके स्वरूप रूप बदला दिया, कोई स्वर्ग दामोदर, कोई राजा मंद, कोई रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबके सब एक महाप्रभु का परिकर बन गए। और मिल करके बड़े सुंदर कीर्तन किया है, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 परिक्रमा करे तो उसको सारे भक्ति के अंग का फल मिल जाएगा।
सारे भक्ति आपका की सब फल में कोई बात मत करो वहां पर बैठे वहां पर कोई बात नहीं करना। इसलिए श्री नवद्वीप धाम जाने पर पृथ्वी का सारे तीर्थ करना हो जाता है। जैसे श्री महाप्रभु बड़े दयालु जिसको किसी को नहीं मानते, जैसे रामचंद्र रावण को पूरा वंश खत्म कर दिया, कृष्णा कंस का वंश खत्म कर दिया, लेकिन जो महाप्रभु जिसको मारे नहीं, सबका हृदय को बदला दिया, हृदय बदला करके प्रेम प्रदान किया। अगर कोई नवद्वीप धाम परिक्रमा करेगा तो जैसे महाप्रभु बड़े दयालु के धाम जी वैसे बड़े दयालु बड़े कृपालु से नवद्वीप धाम, वहां जाने से सब पाप दूर होगी, भक्ति मिलेगी और शक्ति मिलेगी और भगवान का प्रेम भी मिलेगा। इसलिए हम लोग श्री नवद्वीप धाम की कथा सुन रहे थे। कहते आज जो एकादशी है, जानते हो आज एकादशी का नाम क्या है? क्या है? जया एकादशी। हमारे यहाँ पर एक प्रभु जी बैठे थे, हम कथा सुनाएंगे कि जया एकादशी का मतलब क्या है। ठीक है, हाँ देखो अब लोग सब एकादशी करते हो, अब जो नहीं करते हो हाथ उठा, जो नहीं करते हो हाथ सर्व 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 नहीं करना, जो नहीं उठाते हो देखो ठाकुर के सामने, जो नहीं करते हो शर्म नहीं करनी चाहिए, एकदम शर्म मत करो, हाथ उठाओ जो नहीं करते, फिर तब कुछ बोलेंगे ना ठीक से, और कुछ मत तो अभी भी नहीं उठा रहे हो, पता नहीं महाराज क्या बोलेंगे, उठाओ जोर से हाथ उठाओ जो एकादशी व्रत नहीं करते, और जोर से उठाओ खड़े हो जाओ। हरे कृष्ण, सुना जो एकादशी व्रत, अभी ध्यान देकर सुनो, कोई बात मत करो, बात मत करो, पीछे कुछ माताएं बात करनी है। इसलिए गुरु जी कहते थे अगर कथा सुनना है ना, आप जिसको जानते हो उसके पास मत बैठना, उसे थोड़ी सी अलग होकर बैठ जा, उसे थोड़ी सी अलग हाथ बैठ जा। हरे कृष्णा, देखो ये एकादशी व्रत को कहते हैं ये कल्प तरु व्रत है। कौन सा व्रत है? कल्प तरु। बोले कल्प तरु मतलब क्या? बोले कल्प वृक्षों के नीचे बैठ करके आप जो मांगोगे आपको वही फल मिलेगा, वही फल मिलेगी, जो मांगोगे तुम्हें वही फल मिलेगी। जैसे आप लोग कोई शुक्र, कोई मंगल, कोई बृहस्पति, कोई शुक्र, शनि, कोई कोई माता है तो सात के सात दिन व्रत रखती है, लेकिन इस शास्त्र में ये नहीं बताया अगर ये व्रत नहीं करोगे तो ये बुरा फल मिलेगा, करोगे तो अच्छी फल मिलेगी, नहीं करोगे तो कोई ये नहीं, लेकिन शास्त्र में बताया जो एकादशी जो व्रत है अगर ये एकादशी व्रत कोई नहीं करता है, केवल एक व्रत के लिए बताया, ये अन्न में पांच महापाप रहता है उस दिन, गो हत्या करने का पाप, पिता माता हत्या करने का पाप, ब्राह्मण हत्या करने का पाप और भ्रूण हत्या, पेट में बच्चे रहते हैं जो मार देते हैं, ये जितने सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में आश्रय रहता है। जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा उसको ये सारे पाप भुगतना पड़ेगा। और शास्त्र बताया जैसे कोई पाप कर्म करो, शास्त्र में ये भी बताया अगर ये प्रायश्चित करोगे ना ये पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएगा, ये पाप से ये प्रायश्चित करो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करते हैं इसका कोई प्रायश्चित नहीं, इसका दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, ये सारे पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा है एकादशी का जो अन्न भोजन करते हैं। इसलिए केवल एक ही व्रत के लिए बताया गया, नहीं करोगे तो पाप, दूसरे व्रत के लिए बोले नहीं, करोगे तो लाभ, नहीं करोगे तो कोई लाभ, लेकिन एकादशी नहीं करोगे तो पाप लगेगा। इसलिए एकादशी को क्या बताया, कौन सा व्रत? कल्प तरु व्रत। अब देखना एकादशी पुस्तक किसके पास में है, अब अपना घर में पढ़ लेना, नहीं तो मार्केट से खरीद कर लेना। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा नाम क्यों पड़ा? बोले नंद बाबा का घर में कोई संतान नहीं था, पुत्र नहीं था, नंद बाबा ने जब ये एकादशी व्रत की कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त, कृष्ण को पुत्र रूप में। एक एकादशी का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब जो एकादशी करने से लक्ष्मी घर में माँ लक्ष्मी आती, कृपा आती, को घर में पैसा आती। एक एकादशी का नाम है पाप भोजन, जिसको करने से जीवन का सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, जिसको करने से जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। एक एकादशी का नाम कामदा, कामदा मतलब कोई भी इच्छा तुम्हारी है, कोई भी इच्छा हो अगर आप एकादशी करोगे कोई इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। आप पढ़ करके देखना
हर एकादशी की अलग 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 महिमा, एक ही महिमा नहीं। किस राजा का राज्य चला गया था, एकादशी का राज्य चलाया, कोई संसार में बड़ी दुख कष्ट बीमारी भोग कर रहे थे, एकादशी व्रत किया तो संसार में सारी बीमारी चली गई, दुख कष्ट चली गई। आप स्वयं ग्रंथों को लेकर पढ़ लेना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसलिए देखना, हमारे भारत में अगर कोई व्यक्ति साल साल में बिस्तर में पड़ा हुआ लेकिन प्राण नहीं जा रहे, बड़ा दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, आप किसी पंडित को बुलाओ, इनकी जल्दी से जल्दी मुक्ति कैसे मिलेगी, देखना क्या बोलता है। वो कोई बाहर व्रत का नाम नहीं लेगा, वो बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकता है। इतनी महिमा एकादशी की, इतनी महिमा, इसलिए उसी समय उसके प्राण छूट जाती है अगर एकादशी व्रत करके उसको फल दे दो। इतनी महिमा एकादशी की, इसकी जैसे महिमा जगत में कुछ नहीं। आज जो एकादशी है उसका नाम है कौन सा एकादशी, जया। अभी हमारे प्रभु जी एक बताएंगे, ये जया एकादशी पुराण में, ये भगवान स्वयं इसी विषय पर ठाकुर जी क्या कहते हैं, इसको माइक दे, प्रभु जी इधर खड़े, तुम पीछे वो आ जाओ, वो आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, हाँ इधर खड़े हो जाओ, ओम अज्ञानति मिहंदस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथमं परमहंस परिव्राजाचार्य शूद्रक्षत्रिय स्वामी श्री भक्तिदान श्रीधर स्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि जन प्रणाम करता हूँ। तत्प्राप्त मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म श्री पाद परमेश्वरी प्रभु के चरण कमलों में अनंत कोटि जन प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव महाराज मेरे सभी के चरणों में रहे था प्रणाम। गुरुदेव का आदेश हुआ है कि आज जो तिथि है जया एकादशी, उसकी महिमा का गान करने के लिए। आज की जो एकादशी तिथि है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उसका नाम है जया एकादशी। जया मतलब होता है जय। जो भी इस एकादशी को करता है उसकी हर तरफ हर राज्य में जय होती है और वो बड़े से बड़े पाप को जय कर सकता है। एक बार ये भविष्योत्तर पुराण की कथा है, उस पुराण में एक कथा लिखी हुई है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे ब्रजेंद्र नंदन, आज की जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो ये तिथि है, इसका क्या नाम है और इसका कैसे पालन करना है, और इस तिथि पे इस तिथि का जो अधिष्ठात्री देवता है वो कौन है। तो उन्होंने बताया कि आज की जो तिथि है, ये जो माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की जो ये जो तिथि है, इसका नाम है जया एकादशी। बोला एक बार ये जो एकादशी है, अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी को पालन करता है तो बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो सकता है और उसे कभी भी पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। तो उन्होंने एग्जांपल देते हुए बताया, एक बार देवराज इंद्र जो पारिजात वृक्ष है, जहाँ पे जिस वन में पारिजात वृक्ष है, नंदन वन में विहार कर रहे थे। तो विहार करते हुए उनके मन में इच्छा हुई कि आज कुछ नृत्य करते हैं, नृत्य का कोई आयोजन करते हैं। तो उन्होंने 50 करोड़ गंधर्व गंधर्वियों को बुलाया, उनकी प्रसन्नता के लिए सभी लोग आके वहां पे नृत्य का आयोजन हुआ। जब नृत्य करने लगे तो वहां पे तीन प्रमुख गंधर्व थे, पहला पुष्पदंत, दूसरा चित्रसेन और उसका पुत्र, ये वहां पे तीन प्रमुख गंधर्व थे। वहां पे इनके पुत्र भी आए थे, चित्रसेन की जो कन्या थी उसका नाम था पुष्पवंती और जो पुष्पदंत था उसका पुत्र का नाम था माल्यवान। ये दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा आकर्षित थे, बहुत एक दूसरे से प्रेम करते थे। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए वहां पे नृत्य करने के लिए आए थे, पर लेकिन ये दोनों में इतने आसक्त थे कि ये भूल गए कि हम जो नृत्य कर रहे हैं ये इंद्र की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ना कि हम अपने भोग के लिए कर रहे हैं। तो वो जब नृत्य करते थे, गान करते थे, तो ये भूल जाते थे कि यहाँ पे तय जो ताल है, लय है, इसका भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने कौन बैठा है, इंद्र बैठा है। पर वो ये बात भूल गए, वो इतने मोहित हो गए कि उनको ना तो लय का ध्यान रहा, ना ताल का ध्यान रहा। जब नृत्य करते थे तो गान टूट जाता था, जब नृत्य करते थे तो जो लय चल रही है वो टूट जाती थी, जो गायक थे वो गान नहीं कर पाते थे। तो इंद्र को लगा कि ये लोग मेरा अपमान करने के लिए यहाँ पे आए हैं,
तो उन्होंने उनको क्रोधित होकर शाप दिया कि तुम लोग इतने मूर्ख हो, तुम पे धिक्कार है कि तुम अपने राजा की प्रसन्नता के लिए आए हो यहाँ पे और उनका अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ जाकर के मरते जगत में जाके पिशाचयोनी प्राप्त करो। उनके अभिशाप से वो लोग पिशाचयोनी प्राप्त करते हुए हिमालय पर्वत की गुफाओं में आकर के विचरण करने लगे। पिशाचयोनी अत्यंत दुखमय योनी है, वहां उसमें बिना ब्लड के किसी का अगर उसको जीवित रहना तो दूसरे के खून पे ही जीवित रहना पड़ता है। जीव हत्या के बिना वो रह नहीं सकते, तो अब वो जब भी कुछ करते थे तो उनको जीव हत्या करनी पड़ती थी। अब एक दिन जो पिशाच जो था, जो पति था उसका, जो माल्यवान था, वो अपनी पत्नी से बोलता है कि हमने ऐसा क्या पाप किया जिसके बदले में हमें पिशाचयोनी प्राप्त हुई है। तो बोली, तो उसकी पत्नी बोलती है कि इसका तो पता नहीं, लेकिन हमें ये उपाय ढूंढना पड़ेगा कि किसी तरीके से हम अपनी पिशाचयोनी से मुक्त हो सके। बोले क्योंकि अब हम इसको सहन नहीं कर सकते। तो एक दिन उन्हें पता चलता है कि आज जो तिथि है ये जया एकादशी है। बोले आज की तिथि से, तिथि को पालन करने से बड़े पाप से हम मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से दिन के समय में कुछ भी भोजन ना करते हुए अपना दिन वो एकादशी का पालन किया। लेकिन जैसे ही रात आई, बोले रात में जो शैतानी ताकतें होती है बढ़ जाती हैं। अब वो रात के समय में उनकी जो खून की जो उत्सुकता थी वो बढ़ गई, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए किसी भी तरीके का भोग ना करते हुए पूरी रात जागरण किया। और जब सुबह सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के बाद उन्होंने अपना व्रत खोला। व्रत खोलने से जो उनकी जो एकादशी का जो फल मिला उससे उनको पिशाचयोनी से मुक्ति प्राप्ति हुई। वापस अपने स्वरूप को धारण करते हुए अलंकृत होकर के स्वर्ग में जब वापस गए तो इंद्र देख करके हैरान हो गया। बोले मैं 50 करोड़ देवी देवताओं का सभी गंधर्व गंधर्वों का राजा हूँ। बोले अगर मैं किसी को श्राप दूं तो किसी देवता में हिम्मत नहीं है कि वो श्राप से उसको मुक्ति दिला सके, पर तुम लोगों को जो श्राप मिला तुम उस श्राप को तोड़ करके आज मेरे सामने खड़े हो। बोले ऐसा कौन सा देवता है जिसके अनुगत्य में जाकर के तुमने मेरे श्राप को खंडित कर दिया। तो उन्होंने बताया कि हम माघ जो जया एकादशी है उसका हमने पालन किया, उसके पालन से हमें उस पिशाचयोनी से मुक्ति प्राप्त हुई। तो इंद्र बोलता है कि जिसने वासुदेव यानी ब्रजेंद्र ने कृष्ण की शरणागति ले ली वो हमारे लिए भी पूजनीय है, आओ आप लोग आकर के सुधा पान करो। फिर उन्हें वहां पे उनका सम्मान देते हुए उनको सुधा पान कराया। तो वहां पे श्याम सुंदर बता ब्रजेंद्र ने कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि आज की तिथि को जो पालन करता है उसको जो ब्रह्म हत्या है सबसे बड़ा पाप है, वो ब्रह्म हत्या का पाप है। बोले वो उस ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट सकता है। बोले इस तिथि का पाठ, जो तिथि का जो क्या बोले ग्लोरीफिकेशन महिमा, बोले इस तिथि की महिमा को जो पाठ करता है और जो सुनता है उसको अग्निहोस्ट यज्ञ करने का फल मिलता है। फिर बोला इस एकादशी को यत्न पूर्वक हमें पालन करना चाहिए। हाँ देखो, जो लोग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आज जो लोग नहीं करते हैं ना, अगली बार से सबके साथ एकादशी करना, ठीक है। एकादशी करने के लिए ऐसे नहीं कोई तिथि देखने का जरूरत नहीं, ये बढ़िया एकादशी आज से शुरू करें। आज जो तिथि है भी बहुत बढ़िया, आज भगवान वराह देव आए, आज एकादशी को साथ द्वादशी जब जुड़ जाए ना उसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। फिर नित्यानंद प्रभु त्रयोदशी को साथ में जुड़ा हुआ, मतलब सोने में सुहागा, सोने में सुहागा आज जो व्रत है, हैं? इसलिए जो रखे धन्यवाद आपको, और जो नहीं रखे कोशिश करना अगली बार से एकादशी को जरूर, अगली बार एकादशी को। लेकिन कुछ कुछ लोगों का मन भ्रम है, बोले नहीं इसको तो विधवा करती सदवा करते नहीं, नहीं। आप भागवत पढ़ करके देखो, जिसको नंद जसोदा स्वयं, जिसको अंबरीश महाराज की पत्नी स्वयं करती थी, जिसको सबसे जो बड़ी एकादशी पांडवा ने जला, पांडवा ने जला, इसमें पांडव लोग कुंती को साथ में, द्रौपदी को साथ में रखते थे, द्रौपदी थोड़ी विधवा थी। खैर कुछ लोगों का भ्रम है, बोले क्या भ्रम है, बोले फिर उद्यापना करना पड़ता, बोले नहीं हमारी भक्ति जगत में उद्यापन का कोई नाम नहीं, जब तक तुम्हारी शरीर सुस्त है तब तक एकादशी व्रत रखो, और जब तुम्हारी समर्थ नहीं होता है छोड़ सकते हो, इसलिए कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों, भक्ति ऐसे की चीज है, भक्ति ऐसे की चीज है, भगवान कहते गुना अवगुना प्रभु देखो, ठाकुर जी इसके बुरे गुण के तरफ में ठाकुर जी नजर नहीं देते, केवल अच्छे चीज के ऊपर में ठाकुर जी की नजर, ठीक है ना। अगली बार से सबके सब एकादशी व्रत जरूर रखियो, एकादशी व्रत।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नमः. सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद स्थित श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की चरण सरोज में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ. तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए हमारे मठ के ब्रह्मचारीगण जनार्दन प्रभु मनमोहन प्रभु इत्यादि सबके चरणों में एवं समस्त यहाँ उपस्थित भक्तजनों के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम. आज बहुत सुंदर तिथि है. महाराज जी ने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई अभी आपको और मनमोहन प्रभु जी ने भी आज की तिथि की महिमा और कथा सुनाई. सबसे बड़ी बात ये है कि ये बार बार जो यहाँ उत्सव होते हैं इसको हमें समझना पड़ेगा. ये उत्सव क्यों किए जाते हैं, क्या कारण है कि हम यहाँ पर एकत्रित होकर के सुंदर कथा श्रवण करें, कीर्तन करें और भगवान की अर्चना पूजन उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें. ये सब किस हेतु है, किस कारण से हो रहा है यहाँ पर? ये किसी को भी प्रसन्न करने के लिए नहीं हो रहा है. ये ठाकुर जी को प्रसन्न करने, गुरुदेव को प्रसन्न करने और हम सबको भक्ति प्राप्त हो इस हेतु हो रहा है. यदि इस चीज को हम नहीं समझे तो समय हमारा निकला जा रहा है, समय वापस नहीं आएगा. हम यदि शुद्ध तरीके से भजन को नहीं समझेंगे तो मठ मंदिर में आकर के भी जिस प्रकार से बच्चे कभी खेलते हैं और बड़ी बहुमूल्य वस्तु मिल जाती है, कोई मोती या कुछ पैसे मिलने पर एकदम से छटक के गिर जाते हैं और फिर मिलते नहीं, ठीक इसी प्रकार से इतनी सुंदर जगह आने के बावजूद यदि हम शुद्ध भक्ति को नहीं समझे, नहीं उसका अंगीकार किया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा. और ऐसे सद्गुरुदेव हमें मिले हैं जिसकी हम अपनी चेष्टा से ना तो कल्पना कर सकते हैं और ना ही अपनी चेष्टा से इनको प्राप्त कर सकते हैं. भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से खुद स्वयं चल करके हम पर अनुग्रहित करने हेतु ये यहां पर प्रकट है. बोलो श्री गुरुदेव की. भक्ति जिसे करनी है शुद्ध भक्ति, कथा श्रवण करना बहुत जरूरी है और उसमें धीरे धीरे विषय आसक्तियां जितनी हैं संसार की उन्हें त्यागना होगा. एकदम से त्यागा नहीं जाएगा, धीरे धीरे न्यून करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. और उपाधि या पद की जो इच्छा है उसको भी त्यागना होगा. यदि हम सोचें किसी पद हेतु हम यहां पर करें सेवा तो उससे भक्ति आपकी नहीं बढ़ेगी, निरुपाधेय होना पड़ेगा. और किसी भी प्रकार से किसी भी धन की वजह से कोई यदि जुड़े कि हमें भगवान से, भगवान तो बड़े ही सरल करुणा में है, भगवान भगवान के भक्त श्रीमद् भागवतम ये सब अभिन्न तत्व है और ये सब कुछ देने में समर्थ है. यदि हम सोचे कि थोड़ी सी भक्ति करके हम कुछ धन अर्जित कर लें तो वो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम ठगे जाएंगे क्योंकि धन कुछ भी नहीं है इस बहुमूल्य वस्तु के सामने, इस भक्ति के सामने. इन तीनों को हमें धीरे धीरे त्यागना होगा, तब जाकर के हम शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसित होंगे. अन्यथा धार्मिक तो पूरा भारतवर्ष है, पूरे भारत के जीव, भारत के जितने भी हिंदू समाज के या अन्य समाज के भी सब धार्मिक धार्मिक ही रह जाएंगे. धार्मिक से कुछ होना जाना नहीं है. धार्मिकता से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन उससे शुद्ध भक्ति भगवान के चरणों की कभी नहीं मिलेगी. उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यहां पर साधु संघ
जो गुरुदेव का संग मिल रहा है, वैष्णव का संग मिल रहा है, उनके अनुगत्य में रह के समस्त भजन क्रिया हमें देखनी होगी, सीखनी होगी, कथा को बार बार सुनना होगा, सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकालना नहीं होगा, उसका मनन करना होगा, हृदय में रखना होगा, तब जाके हमारी भक्ति सुदृढ़ हो। और इसको करते करते कई बार मन में एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है, उस अहंकार को भी दबाना होगा। ऐसा ना हो कि हम अब बहुत बड़े भक्त हो गए, अब हम किसी को कुछ मानते नहीं। भक्ति स्वतंत्र है, किसी की भी नहीं सुनेगी, एकदम लुप्त होने में देर नहीं लगाएगी। और उस अहंकारवश किसी वैष्णव के प्रति, वैष्णव के चरणों के प्रति यदि अपराध हो गया तो एकदम जैसे बिजली चली जाती है, ऐसे भक्ति लुप्त हो जाएगी। तो इसलिए वैष्णव अपराध से हमें सर्वथा बचना चाहिए, कभी भी वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। इसकी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भगवान की और चैतन्य महाप्रभु की भी लीला में आती हैं, महाराज जी ने बहुत बार सुनाया भी है, कुछ उसी में से बताने का चेष्टा करूंगा। एक बार जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने चारों दिशाओं में वानरों की सेना भेजी, तो हनुमान जी को अपनी अंगूठी दे करके विश्वास जताते हुए कि ये मेरा शुद्ध भक्त है, इसको जरूर सीता मिलेगी, और तुम इसको जाकर के दिखाना कि ये राम का दूत हूं, राम ने भेजा है और वो जल्दी ही आएंगे। तो हनुमान जी जब गए, ये सारी कथाएं आप जानते हैं, और शॉर्टकट में लेकर जा रहा हूं, हनुमान जी को समुद्र पार कराया और वहां जाकर के अशोक वाटिका में सीता मैया को रोते बिलखते देखा, तो हनुमान जी ने सुंदर दोहा गाया, उसके पश्चात सीता मैया के सामने जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। सीता मैया ने कहा, कौन हो? तो बोला, हनुमान, राम भक्त हनुमान। राम, भगवान राम का सुनते ही मैया सीता के अष्ट विकार जो भक्ति के होते, एकदम रोमांच, कंपन, अश्रुपात इत्यादि होने लगे, और कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। वो भगवान जिन्होंने इंद्र के पुत्र क्या नाम था, जयंत, मेरे सौंदर्य को देख करके कौवा बन करके जिसने मेरे पर स्पर्श करने की चेष्टा की अपनी चोंच से, उसको भगवान राम एक क्षण के लिए भी सहन न कर पाए, एकदम क्रोधित हो गए, और उन्होंने वहीं पड़ा हुआ कुश उठा करके एकदम उस कौवे को मारा, और वो त्रिलोक में घूम गया कौवा, जहां जब जाता वो बाण बन करके कुश उसका पीछा करने लगा, और अंत में जब कहीं उसको ठिकाना ना मिला, वापस श्री रामचंद्र जी के चरणों में आकर के उसने आश्रय ग्रहण किया। लेकिन भगवान राम ने उसको मृत्यु दंड ना दे करके क्रोध में आकर के एक आग तब भी उसकी निकाल ली। वो श्री रामचंद्र जो अंतर्यामित्व है, भगवान है, सबको जानते हैं कि मुझे रावण लेकर गया, पूरा एक वर्ष होने जा रहा है, अभी तक आए नहीं। तो हनुमान जी ने, क्योंकि भक्त है राम जी के, बड़े सुंदर सुंदर वो युक्तियां प्रस्तुत की कि देखो, उन्होंने तो बहुत ढूंढा, बहुत चेष्टाएं करी, सब जगह उन्होंने ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं मिला नहीं। और आपको अगर ऐसा लगता है कि वो चेष्टा नहीं कर रहे थे, तो देखो कितने समय से उन्होंने कहां कहां आपको नहीं खोजा। तब उन्होंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या जटायु महाराज ने नहीं बताया कि रावण लेकर गया? क्या सुग्रीव और आप लोगों वानर लोगों ने देखा नहीं था कि मुझे रावण अपने विमान पर लेकर जा रहा है? वो सब आप लोगों ने बताया नहीं होगा, क्यों इतना समय लगाया? उसका कारण ये नहीं है। रोने लगी सीता मैया, बहुत विलखती हुई, कहने लगी, हनुमान जी आज मैं तुम्हें बताती हूं, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूं, मेरा हृदय धधक रहा है, मेरे से एक वैष्णव अपराध हुआ है, महान भक्त लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के उनके चरणों में अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? भगवान श्री रामचंद्र जब हिरण को पकड़ने जा रहे थे और लक्ष्मण जी वहीं पर थे, तो मैंने उन्हें बहुत खरी खोटी सुना दी, और खरी खोटी इतनी सुना दी कि वो ज्यादा ना सुन करके उन्हें लक्ष्मण रेखा खींच करके वहां से चले गए दुखी होकर के। मैंने एक महान भक्त श्री रामचंद्र जी के भक्त लक्ष्मण जी के चरणों में अपराध किया,
और भगवान राम सब कुछ सहन कर सकते हैं, अपने भक्तों के चरणों में अपराध को सहन नहीं करते। भगवान तो यह भी कहते हैं यदि मेरे से मेरे किसी अंग से वैष्णव अपराध हो जाए तो मैं उस अंग को काट दूं। तो यह कहकर के मैया रोती बिलखती रही और कहने लगी कि तुम एक काम करना, रामायण में सुंदर तरीके से, वाल्मीकि रामायण में सारी चीजें हैं, उनमें सुंदर तरीके से उन्होंने कई श्लोक गाए, वंदना करी। रामचंद्र जी का तो एक श्लोक और कम से कम 5-6 श्लोकों में लक्ष्मण जी की वंदना की है कि लक्ष्मण जी मुझे हमेशा क्षमा करें, मैं उनकी मैया समान हूं, मां समझ के क्षमा कर दें, भाभी समान भाभी तो हुई लेकिन मां समझ के मुझे क्षमा करें और मैं उन्हें हमेशा पुत्रवत ही देखती हूँ। इस तरीके से बहुत सारी सुंदर वंदनाएं की हैं। हनुमान जी भी वहां से जब गए, श्री रामचंद्र जी को जब बताया तो रामचंद्र जी एकदम से रोने लगे, कहा कि आज सीता ने अपनी गलती को मान लिया है, पश्चाताप कर लिया है और सीता तो अभी भी 1 महीना रह सकती है मेरे बिना, लेकिन अब मैं 1 क्षण भी रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अपराध खत्म हो गया। अब यहां से उन्होंने, आपको सब कथा पता है, सेतु बांधा और रावण को हरा करके सीता मैया को लेकर आए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे ही महाप्रभु की लीला में बहुत सुंदर कथा हमने महाराष्ट्र से कई बार सुनी है। अद्वैताचार्य जी की तिथि अभी गई है। अद्वैताचार्य जी जिनको हमेशा समस्त नवदीप गुरु मान के चलते थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, क्या नाम उनका, विश्वरूप को संन्यास कराया और शची मैया ने गुस्से में आके क्या कहा कि ये अद्वैत नहीं, ये तो द्वैत है, इसके मन में कुछ और बाहर कुछ, तो इसीलिए इसने बहुत ऐसा काम कर दिया, मेरा छाती फटी जा रही है। महाप्रभु ने ये जब सुना तो उन्होंने उनको प्रेम दान नहीं किया, पूरे नवदीप को, पूरे उत्तर भारत, पूरे पुरी को प्रेम दान किया, लेकिन अपनी मैया को प्रेम दान नहीं किया। और जब मैया को प्रेम दान नहीं मिला, समस्त लोगों को प्रेम दान कर रहे थे, तो इनको अद्वैताचार्य जी को जब पता चला कि महाप्रभु अपनी मैया को प्रेम दान नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने जाकर के निवेदन किया कि तुम जो है ऐसा कार्य करो जिससे कि मैया अपने वापस स्वरूप में स्थित हो जाए। अब वहां पर जाकर के अद्वैताचार्य जी प्रणाम कर रहे थे, मैया आई और एकदम से उनके चरणों में, अद्वैताचार्य जी के चरणों में लेट गए। ये देखते ही महाप्रभु प्रसन्न हो गए और फिर उनको प्रेम दान किया। तो ये सारी कथाएं इस तरीके की, जिससे हमें पता चलता है कि वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है, हमें भक्ति से जो है एकदम दूर ले जाएगा। तो एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे तपन प्रभु है और हमारे इधर आ गया वंचा कल्पतरु कृपा सिंधु भी है चपन समाता हूँ। जनार्दन महाराज कहाँ है? दौड़ गया। अरे हाँ, इसलिए हमें देखो इधर सुना, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति थोड़ी हो कोई बात नहीं, लेकिन कभी वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। किसी साधु को भी, वैष्णव मतलब जो भक्ति करते हैं, जो साधु हैं, उनको बाद में कभी उल्टा पुलटा नहीं बननी चाहिए। इसलिए महाप्रभु उदाहरण दिया कि भक्ति एक लता है, भक्ति एक लता है, लेकिन अगर हाथी अगर किसी है किसी बाग में अगर चले जाए क्या करती है, वो पूरा सूंड में पकड़ करके जड़ समेत उसको उखाड़ देती है, जड़ समेत उसको उखाड़ देती है। इसलिए भक्ति जैसे कोई पेड़ ऊपर से काट दो, फिर दो बार चांस है,
लेकिन अगर किसकी जड़ से पूरा उखाड़ लो तो क्या होगा, वो कोई पेड़ होने का चांस ही नहीं रहेगा। ये वैष्णव अपराध ऐसे की चीज, इसलिए कभी भी आपस आपस में हाँ देखो ये जो जीवा है ना, देखो ना ये जीवा इतना गड़बड़ी चीज है, अगर इसकी निंदा करो इतने बढ़िया लगती है चाट मसला जैसे, इसलिए उसमें इसकी निंदा करना घंटा घंटा तक चली जाती है। अब इसको बोले एक माला जप करे, एक माला जप कर माला कुछ नहीं होती, लेकिन इसकी बुराई कर देना घंटा घंटा तो बीत जाएगा, इतना मतलब इतने चटपटी है, इतने चटपटी मसला है। इसलिए हर समय क्या करनी चाहिए, किसी साधु संतों की कभी निंदा मत करो, कभी आपस में चर्चा कभी मत करना, ठीक है ना। देखने पर भी कोई चीज को हमने देख लिया, अगर देख लिया तो जाकर के जो बड़े वैष्णव उनको बोलना, लेकिन आपस आपस में कभी इसको एक दूसरा दूसरे तीसरे को कभी नहीं बोलनी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध। इसलिए महाप्रभु अपना माँ को भी उन्होंने माफ नहीं किया, रामचंद्र सीता को भी छोड़ा नहीं, रामचंद्र सीता को भी नहीं छोड़े, इतने खतरनाक। इसलिए महाप्रभु बोले काहर ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, कहते भगवान को कैसे प्राप्त करोगे, बोले कभी भी किसकी निंदा नहीं करना, काहर ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारी में कहले, मतलब महाप्रभु अजय, अजय मतलब जिनको जय करना बड़ा कठिन, लेकिन वही उनको जय कर सकता है जो कभी किसकी बुराई नहीं करते हैं, कभी किसकी चुगली नहीं करते हैं और हर समय भगवान की नाम जप करते हैं, ठीक है। और हमारे प्रभु जी आपको तो इस कथा से छिड़ाओ, इनको सर्व लग रहा है आज जगन्नाथ पुरी से छिड़ाओ, छुप रहे आगे हरे कृष्ण छिड़ाओ, जनार्दन प्रभु है क्या किया वो सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हाँ देखो जो कल है ना, कल एक अच्छी तिथि है, कल श्री देखो कल श्री नित्यानंद प्रभु का जन्म तिथि, नित्यानंद प्रभु जानते हो कौन है, जो बलदेव प्रभु है ना, ये ताऊ भैया, ये कलयुग में नित्यानंद प्रभु रूप में आए। और चैतन्य महाप्रभु कौन बोले, जो कृष्ण, जो कृष्ण जगन्नाथ जी, ये श्री महाप्रभु के रूप में और ताऊ भैया श्री नित्यानंद प्रभु का रूप में आए। कल श्री नित्यानंद प्रभु का जन्म तिथि, वो इतने दयालु, इतने दयालु, तो पियकड़ थे उस नवद्वीप का सबसे बड़े गुंडे, इनके नाम सुनते ही पूरा नवद्वीप कांप उठती थी, और मटकी में भर भर करके शराब, जो दोनों दोनों ब्राह्मण कुल में थे जगदानंद और माधवानंद, जो ने बंदों को था मतलब ब्राह्मण, लेकिन असत संग, असत संग इतने गंदा है, असत संग से पढ़ करके इतने गंदे बन गए, तीन भर मांस खाना और शराब पीना और मटकी में लेकर के, दोनों जब रास्ता में बैठ जाते ना वो रोड जाम, मतलब रोड में कोई नहीं जाते थे, जो जाएगा उसको पीटते थे, किसी घर में आग लगा, मतलब जगत में इस कोई गंदा काम नहीं जो कि उन्हें दोनों ने नहीं किया हर तरह से। और श्री नित्यानंद प्रभु जब उनको हरिनाम देने के लिए बुलाए, हमें हरिनाम दिलाने के लिए आए, उन्होंने उठाया मटकी जिसमें शराब पीते थे और सर में मारे तो सर फूट गया, सर फूट गया किसकी, श्री बलदेव प्रभु की, जो जिसने कि विश्व ब्रह्मांड को अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो सर के ऊपर में के सर से जैसे धारण किया, सर फोड़ दिया, लेकिन वो इतने दयालु, कहते भैया भले ही तुमने मेरे सर पर फोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मेरे प्रभु का नाम, एक बार भगवान के नाम लो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे मेरे प्रभु का नाम ले लो सारे अपराध खत्म कर दो, इतनी दयालु। इसलिए कल उनका जन्मदिन, कल जिनका जन्मतिथि कुछ कुछ भक्तों लोगों ने हैं देखो ये दोनों तिथि एक साथ में आ गए, इसलिए कल हम लोग भी व्रत रखते हैं, लेकिन आज क्या हुआ महाद्वादशी आ गई, अगर आज का तिथि जो पूरा निर्जला रखे पानी तक भी नहीं पिए, कल व्रत अपना पानी से खोल करके और दोपहर में जब श्री नित्यानंद प्रभु का अभिषेक हो वो चरणामृत से ये व्रत को मिले, और जैसे हम फलाहार लेते हैं ना कल वो फलाहार करें। इसलिए यहाँ पर कुछ भक्त लोगों ने किया है,
आप लोग को धन्यवाद है जिन लोगों ने किया कर कर किया है हाथ कर कर किया इसीलिए इसीलिए कुछ भक्त लोगों ने पूरा आज ही निचला किया पूरा पानी तक भी नहीं किया इसीलिए इसलिए प्रभु जी ने किया जो किए वो धन्यवाद है जिन लोगों ने कल से नित्यानंद प्रोगा तिथि में दोनों तिथि को जो किए हैं ठीक है ना इसलिए देखो कल है दोपहर में आप लोग 10 बजे आना जरूर आना क्योंकि उनको तिथि में आओगे ना देखेंगे मेरे तिथि में आए वो इतने दयालु मार खा कर भी प्रेम देते हैं उसको कल आना और इनकी बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कथा दोपहर तक सुनेंगे उसको बाद में श्री नित्यानंद प्रभु का अभिषेक करेंगे फिर चरणामृत मिलेगा और सभी के लिए हमारे भक्त लोग भी प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं दोपहर को बाद में फिर उनकी प्रसाद मिलेगा ठाकुर को भोग लग करके उनकी प्रसाद मिलेगा कोशिश करना दिन में 10 बजे सवेरे सब लोग सब आने के लिए ठीक है ना कौन कौन आएगा सबके सब कोशिश करना देखो करोड़ों काम रहने पर भी काम तो करते रहो काम के लिए तो कोई फुर्सत नहीं मिलेगा लेकिन भगवान की तिथि नहीं मिलेगी ठीक है ना इसलिए कल जरूर कोशिश करना 10 बजे जरूर आने के लिए बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी बातें करना सर्वप्रथम परमानंदतम गुरुपाद पद्म के अशोक और ब्रह्मवृत्त चरण अरविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम करते कृपा की वांछा करता हूँ तत्पश्चात उपस्थित भक्त वृंद वैष्णव वैष्णवी सतीर्थ गुरु भ्रत वृंद सबकी जानने वादियों की अच्छा दंड प्रणाम शुक्रिया तो कृपया नहीं हो के एग्जाम हॉल में बैठ जाने से जो होता है वो मेरी अवस्था हुई आज आगे पहुंचा फिर व्रत इसलिए कुछ प्रिपेयर ही नहीं हुआ ठीक है गुरुदेव आज्ञा दिए है शक्ति सामर्थ्य दे की वो आज्ञा दिए है तो काल परम करुणामय आश्रय तत्व से नित्यानंद प्रभु का शुभ आविर्भाव तिथि ये नित्यानंद प्रभु कौन है ना अखंड गुरु तत्व अभी श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होने के समय उपस्थित तो चैतन्य चैतामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बात कहते हैं कृष्ण यदि पृथ्वी तक करें अवतार प्रथम करें गुरु वर्गेर अवतार कि जब कृष्णचंद्र इस पृथ्वी में अवतार ग्रहण करते हैं तो पहले क्या करते हैं उनको जो निज जन है उनको पहले भेज देते हैं क्यों वो फील्ड क्रिएट करते हैं हमें कृष्ण जो नाना विध लीला करेंगे उसी लीला में ये क्या करेंगे ना उसे सहायता प्रदान करेंगे तो श्रीमन कृष्णचंद्र की जो अभिन्न प्रकाश श्री बलदेव प्रभु उनका ही काल शुभ आविर्भाव तिथि फिर बलदेव प्रभु का तो महिमा अगणन है मगर नित्यानंद प्रभु का महिमा अगर श्रवण किया जाए तो वो भी अत्यंत कृपाल अपार करुणामय लेकिन नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में ये कहा जाता है कि एमन दयाल आर की आछे है कि आर हवे कि श्रीमान नित्यानंद प्रभु का जैसा परम दयालु परम कारुणिक ऐसा कोई होया है ना आग भोगे जाके क्यों क्योंकि नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं जिसको एक बार दर्शन कर देते हैं उनको ऊपर कृपा करते हैं जगाई माधाई गुरु जी ने भी बताया उनका जिसका ऊपर छाया पड़ जाता वो अपने को अपवित्र मान के फिर गंगा स्नान करते सौ वस्त्र पहन के जाके गंगा स्नान करते क्योंकि वो वस्त्र भी अपवित्र हो जाता है जीवन में ऐसा कुछ पाप नहीं संसार में ऐसा कुछ पाप नहीं पुण्य कार्य नहीं जो ये दोनों नहीं किए हाँ चित्रगुप्त का जो लिखनी है वो लिखनी और काली दोनों खत्म इनका दोनों का पाप लिखते लिखते मगर अगर कोई पुण्य की भागी है उससे अगर भगवत धाम प्राप्ति हो वो तो बड़ी चीज नहीं है जो पापी से पापी है उसको अगर तारण कर मतलब वो धाम प्राप्ति हो जाते वास्तव करुणा की वही प्रकाश से प्रकाश कहा जाता है तो ऐसा ही श्रीमान नित्यानंद प्रभु किसको उद्धार किए ना जगाई माधाई को और कैसे फिर उद्धार किए ऐसे उद्धार करने से फिर क्या फिर उसमें फिर आया महाप्रभु के ऊपर नित्यानंद प्रभु के ऊपर क्या ना पहले नित्यानंद प्रभु के ऊपर वो
क्या उनका सर में आघात की। तो फिर देखो नित्यानंद प्रभु का क्या महिमा बता रहे, मारी छे कलराशी का ना ताई बोले कि प्रेम दीवा ना कि तुम मुझे एक अलसी का जो टुकड़ा मार के मुझे खताक्त कर दे, रक्ताक्त कर दे, इसका ये कारण के लिए तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें प्रेम दान नहीं करूंगा। मगर श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रेम दान करके ही छोड़े। उसी लीला में ये भी दिखाया जाता है श्रीमान महाप्रभु अत्यंत क्रोधानी तो होके सुदर्शन को बुलाते हैं और जब सुदर्शन आ रहे उसका तेज में ही सारी सारी भागने लग रही, उनका तेज भी सहन नहीं कर पा रहे। अगर सुदर्शन खुद आ जाते तो फिर क्या नहीं होता। मगर फिर भी नित्यानंद प्रभु बोलते हैं क्या राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे असुदे करिले संघात, एबे अस्त्र ना धरिले प्राणी काके ना मारिले चित्त शुद्धि करिले संघात। अरे तुम तो बहुत सारी ऐसे अवतार ले लिए, बहुत अस्त्र शस्त्र सब धारण किए और बहुत सारी दुष्टों की भी दलन किए, मगर ये जो अवतार है ये दुष्ट दलन की नहीं, किसका दलन करने के लिए, दुष्ट दाग दलन करने के लिए। जितने सारे अवतार ग्रहण किए सारे के सारे असुरों को संहार किए और उनका जो दुष्ट प्रवृत्ति उसको कभी तुम विनाश नहीं किए। अरे सारे के सारे अवतार में दुष्टों को मार दो उसके बाद धाम की प्राप्ति कराए, और ये अवतार तुम संकल्प लिए क्या अस्त्र नहीं धारण करके मन के अंदर जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसको ही खत्म करके उसके बाद क्या करना है, उसी समय क्या आपकी जो गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन जो गोलोक की प्रेम धन है उसी प्रेम धन में सबको धन्य करने के लिए तुम आए हो, तो ये चीज कैसे भूलते हो। तो ये जो महाप्रभु की संकल्प था इसे याद दिलाता है कौन, श्रीमान नित्यानंद प्रभु। तो ये नित्यानंद प्रभु की जो महिमा काल तो आज विशेष भाग में हम श्रवण करेंगे। फिर आज तो नित्यानंद प्रभु का जन्म शुभ अधिवास है, तो अधिवास की क्या महिमा, काल की जो तिथि का महिमा आज थोड़ा थोड़ा भी श्रवण करेंगे। और देखो तीन है विष्णु तत्व महाप्रभु के अवतार में, कौन कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और कौन, अद्वैत आचार्य। और अद्वैत आचार्य अत्यंत वयोज्येष्ठ, हाँ तो इसलिए श्रीमान नित्यानंद प्रभु एक बार क्या हुआ, अद्वैत आचार्य की आंगन में जाके जो प्रसाद को इधर उधर फेंक रहे, तो वो महाप्रसाद की क्या क्या महिमा, बोलते कि जो महाप्रसाद ये प्रभु का साक्षात कृपा, इसलिए बताते हैं कि श्री मूर्ति ते निवेदित जे किछु है वे महाप्रसाद ज्ञानता ग्रहण करिवे। मतलब श्री मूर्ति भगवत विग्रह को जो निवेदन किया जाएगा वास्तव में उसको ही महाप्रसाद ज्ञान में ग्रहण किया जाएगा। अभी नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, उनका विचार शक्ति क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका महिमा क्या है, उसको प्रकाशित करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु क्या करे, अद्वैत आचार्य के आंगन में सारी सारी प्रसाद को उधर उधर फेंक दे। तो अद्वैत आचार्य आगे देखो ये दृश्य को देखते हुए एक साधारण आदमी के अंदर में जो भावना उत्पन्न होगा वही भावना को प्रकाशित कर रहे कौन ना, अद्वैत आचार्य बोले कि तुम नित्यानंद अवधु, हाँ मेरे अंगन को सारी की सारी प्रसादी कर दिया तुम, हाँ अभी ये पैर में लगेगा ये अपवित्र हो गया सारी की सारी स्थान अभी, हाँ तो ये एक साधारण लोग की हृदय में ये भावना भी आ गया, हाँ कि नित्यानंद प्रभु पागल की जैसे तो सदा सर्वदा के लिए आचरण करते हैं अवधूत का, ये तो स्वरूप होता है कि पागल की जैसा, हाँ कई बार हम श्रवण किए कि नित्यानंद प्रभु के स्वरूप कैसा ना अवधूत, अवधूत क्या स्वरूप, अभी धूप ज्यादा हो रहा है अभी ओढ़ के पूरा बैठेंगे, हाँ ज्यादा से ज्यादा पसीना जैसे निकल गया, और अभी ठंड के समय और कुछ पहनेंगे नहीं जैसे बाहर नंगा चलाएंगे, हाँ रास्ता में जा रहे हैं कुछ हाथ पैर में कोई उनका प्रबंध ही नहीं है इसलिए किसे लगाएंगे थप्पड़, हाँ बोले कि हरे वो कोई पानी घड़ा में पानी लेके जा रहा है उसे पीछे से धक्का लगाएंगे वैसे गिर जाएगा। तो ऐसे ऐसे नित्यानंद प्रभु का ये सब कारना है। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे जो प्रसाद फेंक रहे हैं तो अद्वैत आचार्य प्रश्न किए कि ये महाप्रसाद है उनको इसको उधर उधर फेंक रहे हो तो ये पैर में आएगा, हाँ कोई उसे कुचल देगा तो ये अपराध तो होगा। तो श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य उसे बोलते कि ये जो श्रीमान महाप्रसाद है ये प्रभु का तो साक्षात कृपा है और ये सारी सारी जो क्षुद्र जीव है कीड़ा मकोड़ा इत्यादि, हाँ और वृक्ष लता इनको तो महाप्रसाद कभी प्राप्त नहीं होता है, और मैं इसे फेंकना कि ये कारण है ये क्षुद्र जीव का उद्धार करने के लिए, देखो विचारधारा कहाँ है।
और हम साधारण आदमी ये तो देखेंगे तो क्या विचार आएगा, कह रहे नित्यानंद प्रभु पागल है। तो ऐसा ऐसा सिवाय नित्यानंद प्रभु का कार्य तो अरे ये बताता हूँ कि ये नित्यानंद प्रभु ज्यादा से ज्यादा श्रीवास अंगन में ही रहते हैं, श्रीवास के घर में रहते हैं और उनके पुत्र के साथ वहाँ महाप्रभु आचरण करते हैं स्वामी नित्यानंद प्रभु। तो ये नित्यानंद प्रभु के प्रति श्री श्रीवास की क्या भावना है ये जानने के लिए एक बार महाप्रभु ने श्रीवास को परीक्षा की। कैसा परीक्षा? बोले नित्यानंद तो अवधूत के जैसा स्वरूप, अवधूत जैसा कार्य जो भी घर में रखता है उनका ही ध्वजा उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा कार्य करता है कि सारे सारे लोग आके कंप्लेंट देते हैं कि देखो नित्यानंद ये किया, नित्यानंद वो किया। तो अभी श्रीवास सब गंगा स्नान कर रहे, सब मिल के महाप्रभु को परिकर और श्रीमन महाप्रभु ने श्रीवास को बोले कि श्रीवास ये जो नित्यानंद प्रभु है ये तो पूरा अवधूत है, पागल जैसा है। फिर तुम तो उच्च श्रेष्ठ कुल की ब्राह्मण हो, ये नित्यानंद प्रभु जैसा अवधूत उसका तो जाति कुल भी क्या पता नहीं अभी तक। तुम्हारा घर में रख के तुम्हारा जो जस है उसे क्यों तुम घटा रहे हो? सबसे अच्छा होगा क्या करो, ये नित्यानंद प्रभु को अपने घर से त्याग कर दो। देखो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का प्राण है कौन? नित्यानंद। फिर भी महाप्रभु भक्तों को परीक्षा करने के लिए क्या बोले कि नित्यानंद प्रभु को त्यागो अभी। तो अभी श्रीवास पंडित तो साधारण कोई नहीं है, महाप्रभु का भक्त क्या बताए अच्छे से प्यार में बताते है क्या ना। ईश्वर हसिया बोले श्रीवास पंडित हमारा परीक्षा प्रभु ये न है उचित। कि अभी श्रीवास पंडित थोड़ा हंसे कि महाप्रभु मुझे अभी परीक्षा करे। अच्छा बोले कि प्रभु सारा जगत की जीव को तुम मोहित कर सकते हो मगर मुझे नहीं। क्यों? कि हमारा परीक्षा प्रभु ये न उचित, तुम जो मेरा परीक्षा करने के लिए जा रहे हो ये तुम्हारा पक्ष उचित नहीं, संभव ही नहीं। क्यों? बोले कि मदिरा जवनी जति नित्यानंद धरे जाति कुल धन जति मोर नाश करे तथापि हमारे चित्त नहीं वे अन्यथा सत्य 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 प्रभु मोरे कथा। कि ये नित्यानंद प्रभु तो अभी कुछ भी नहीं किया, अगर काल से नित्यानंद प्रभु जाके शराब पिएंगे और जवनी मतलब मुस्लिम का जो कन्या है उसे ग्रहण करेंगे हाँ, और जाति मेरा जो ब्राह्मण कुल में उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ उसे अगर किसी तरह वो नष्ट कर देंगे और मेरे जितने सारे धन संपद है उसे अगर हरण करके वो भेज देंगे फिर भी तथापि हमारे चित्त नहीं में अन्यथा सत्य 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 प्रभु मोरे कथा। फिर भी नित्यानंद प्रभु के ऊपर मेरा अभी जितना विश्वास है, जितना श्रद्धा है, जितना रुचि है फिर वो भी अभी क्षण मात्र में भी नष्ट नहीं होगा। ये मेरे बात सत्य सत्य त्रिवार सत्य बोल के बोले कि मेरा दृढ़ संकल्प है। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि वास्तव में तुम्हें कृष्ण धाम प्राप्ति होगा। महाप्रभु ने ये उनको आशीर्वाद प्रदान किए। तो ऐसे ऐसे नित्यानंद प्रभु का महिमा तो काल से आज तक श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ देखो कल नित्यानंद प्रभु का तिथि है, आप लोगों ने कथा सुने कल, बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुना है। कहाँ जन्म हुए, क्यों जन्म हुए, हर अवतार में जैसे रामा अवतार में ये लक्ष्मण है, कृष्णा अवतार में राव भैया और महाप्रभु का अवतार में नित्यानंद। ये हर अवतार में इनके बगैर प्रभु की कोई लीला ही नहीं हुई। इसलिए कल हम ये सब कथा सुनेंगे। आप लोग कोशिश करना सवेरे कितना बजे आओ, 10 बजे कोशिश करना आने की कथा सुने। हाँ देखो आप लोग देखो कुछ कुछ भक्तों लोगों ने हरिनाम लिए, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता में। ध्यान देकर सुनो ये भगवान को रूप गोस्वामी कहते हैं। बोले एक व्यक्ति सदगुरु का प्राप्त कब करना है? बोले वो करोड़ों जन्म से भगवान से भूल करके हम 84 लाख जन्म में भटक रहे हैं। कभी जानवर बनते हैं, कभी पेड़ बनते हैं, कभी मछली बनते हैं, कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गैया बनते हैं, कभी बकरी बनते हैं। अगर बकरी बन करके अगर मुसलमान तो हाथ में पड़ गए तो जिंदा जिंदा चमड़ा उठाकर खा लेते हैं। अगर कभी गैया बनकर कभी अगर मुसलमान के हाथ में पड़े तो जिंदा जिंदा के मार डालते हैं। कभी अगर मुर्गा बने तो जिंदा जिंदा गला को घोट देते हैं। अगर कभी पेड़ बने तो भूख फटने पर भी इसको पानी नहीं मांग सकते, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। इसलिए ये मानव ध्यान देकर सुनो, ये मानव शरीर पाने से पहले हमें बड़े कष्ट भोगना पड़ा।
इसलिए भगवान कहते हैं जो मानव शरीर है ये बड़ी भाग्य से ये मानव शरीर मिला, इसलिए बड़े देत ईस बिनु है दूसरा नहीं, भगवान के से दया करके मानव शरीर दिया है, हैं? इसलिए मानव शरीर बोले सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी मानव शरीर दुर्लभ है। और भारत भूमि में बड़े भाग्य से तो भारत भूमि में किसके जन्म, और हिंदू घर में ये तो बड़ी सौभाग्य बात जो कि हिंदू सनातन धर्म में जो जन्म ग्रहण करते हैं। भागवत में एकादश स्कंद में बताया देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं हमें भारत में हिंदू घर में हमें ये मानव शरीर दो। बोले क्यों? बोले सनातन धर्म में जन्म ग्रहण करना ये कोई साधारण बात नहीं, भगवान खुद कह रहे राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। और जीवन में जो सदगुरु जो प्राप्ति उससे भी ज्यादा महत्व है जीवन में ये सदगुरु प्राप्ति करना। जैसे सदगुरु प्राप्त किया गुरु जी के पास में आए, गुरु जी हमें जो नाम दीक्षा मंत्र दिया वो क्या है, जैसे मानो हमारे हृदय रूपी खेत में उन्होंने बीज बो दिया। उसने क्या किया, उन्होंने बीज को बो दिया, अभी तो बीज बो दिया, अभी क्या करना पड़ेगा, उसमें पानी देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा ना। जैसे गमला में अगर एक बीज बोया कोई लता, अगर पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, सूख जाएगी। उसी तरह गुरु जी से जब हमने हरिनाम लिया, हरिनाम नहीं हमारी हृदय रूपी खेती में हमने बीज बोया, अभी उसमें पानी देना पड़ेगा, बोले पानी क्या, पर श्रवण कीर्तन जले करे सजन है, पानी मतलब है उसमें भगवान की कथा सुनना, भगवान की भक्ति करना, माला जप करना, ठाकुर जी को पूजा करना, ठाकुर जी को भक्ति करना, गीता भागवत सुनना, ये पानी देना है। इसलिए गुरु जी जब हमें माला दिए, माला नहीं ये कृष्ण दिए, कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम। गुरुदेव हमें माला नहीं दिया, माला रूप में हमें कृष्ण प्रदान किया, अभी क्या करना, उसकी सेवा करना। बोले सेवा कैसे करेंगे, हम कैसे सेवा करेंगे, बोले कलयुग में भगवान नाम रूप में आए, ठाकुर जी श्री नाम रूप में ठाकुर जी आए, जब हम माला जप करते हैं, माला नहीं जप कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इहा जप किया सबे करिया निर्बंध, माला को नियमित पूर्वक जप करना, ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया माला कर लिया, कल इच्छा नहीं हुआ माला जहां के तहां लटक रहा है, नहीं माला को क्या करनी चाहिए, रोज कुछ नियम करके जैसे खाने से पहले कुछ माला करके भोजन करो, और दिन में जब जब तुम्हारी अपना फुर्सत मिलता है इधर उधर समय नहीं गमा करके क्या करो, भगवान की माला जप करना। जितने माला, ये माल माला नहीं है, माल ये माला नहीं, क्या है माल है, जैसे किसको पैसा देते ना ऐसे लेते हैं, जब लेते हो कैसे लेते, ऐसे लेते हो, ऐसे लेते हो, इसलिए देखना माला ऐसे ऐसे करते हैं, कहते माला नहीं जब कर रहे हो, हम माल इकट्ठे, माल को इकट्ठे कर रहे हैं, और यही माल ही अंतिम समय में हमें ब्याज समेत यही माला मिलेगा। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जैसे माला नहीं, अगर एक दिन तुमने माला नहीं किया इसका मतलब क्या, आज ठाकुर जी दिन भर भूखे रहे, तुमने भूखे रह गए, ठाकुर स्नान नहीं किया, ठाकुर जी भोजन नहीं किया, वस्त्र नहीं बदलाए, ठाकुर जी भूखे रह गए। इसलिए गुरु जी से जब माला लेते हैं क्या करो, नियमित करके उस माला करो, उसमें नियम रखो जितने तुम्हारी आसानी से बन सकती है, ऐसे नहीं जितने आसानी से बन सकती हो उतना माला करनी चाहिए, खाने से तो पहले दो माला कर, जितना ज्यादा कर सकते हो अच्छी बात है। हमारे जो बड़े गुरु जी है ना, जानते हो खाने से पहले कितना माला, 64 माला करते थे, 1,00,000 64 माला करके तब सोते थे, तब भोजन करते थे, फिर दिन में और 1,00,000 हैं, इतने तभी तो दुनिया में इतना नाम हो रही सर, दुनिया तो तभी इतना बड़ा नाम तो दुनिया में जिनका जस फैल रहे हैं। इसलिए जो जितने प्रभु का नाम जप करते हैं ना, हनुमान जी का क्यों इतना महत्व है, बोले सुमिरि पवन सुत पावन नामो आप न बस निराख राम, दिन भर रघुपति राघव नाम जप करते हैं। शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, बोले महामंत्र जय जपत बस, दिन रात प्रभु का नाम जप करते हैं। इसलिए बोले मैया पार्वती क्या करती है, उनका 8 हाथ में देखना एक माला, ब्रह्मा जी को 4 हाथ में एक माला देखोगे, माँ सरस्वती को देखना 4 हाथ में एक माला जप करते, श्री गणेश जी कहते महिमा जासु जान गणराउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं,
जो जितने नाम जब किया ना दुनिया में उसका ही उतना पूजा हो रही है, उतना ही पूजा हो रही है। इसलिए बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, दिल वाला नहीं, दिल वाले कहते कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपी थी गौरा माने, माला जपी थी देखो कृष्ण को देखो तिलक लगा, राम को देखो, हनुमान को देखो, जैसे आप लोग माता है मांग भरती की नहीं, सिंदूर लगाती की नहीं, भैया दुनिया पति के लिए जो इतना मांग भर रहे हो, एक दिन जो छूटने वाला अब बीच में कहां जा गया, बीच में डाइवोर्स हो गया तो खत्म, तो उसके लिए इतना तुम मांग भर रहे हो तो ठाकुर के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ अगर ये तिलक लगा दिया ना कृष्ण सारा जन्म के लिए तुम्हारी पति बन जाएगी, वो ऐसे पति है ना कहते ना ऐसे बर को क्या बरी जो जन्मे और मर जाए, बर भरी हो गोपाल सुनो चूड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इसलिए दुल्हन ही बना तो गोपी बनना तो किसके बननी चाहिए, कन्हैया की बननी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए तिलक कंठी माला सबके सब रोज करना, ऐसे मत समझो तिलक लगाने की जरूरत नहीं। जैसे पत्नी अगर बगैर श्रृंगार किए हुए कोई सिंदूर पिंदूर नहीं विधवा बन करके अगर पति को सामने चली जाएगी, पति स्वीकार करेगा, बोला जिंदा रहते रहते तुमने क्या मेरे खत्म कर रहे हो, तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। जब ये पति तुम्हें स्वीकार नहीं करता जो असली पति तुम्हें क्या स्वीकार करेगा। अगर तुम्हारी ललाट में तिलक नहीं कट्टी नहीं बोले तो मेरे से कोई मतलब नहीं था, भाग यहाँ से, तो कहाँ से आ गए। इसलिए ठीक है ना, इसलिए सर्व नहीं करना भगवान की भक्ति के लिए, सर्व नहीं करनी चाहिए, तिलक माला कंठी धारण करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज अंतिम समय में हमारे साथ में जाने वाली, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, वराह द्वादशी की जय। आज किसका घर में प्रभु कीर्तन होने का था, आज किसके घर में, किसके घर में, और कहा है, कौन है, इनके घर में था, ये भैया के घर में था, आज आप घर में गए थे ना हमने, अब इनके लिए जोरदार ताली बजा, दोनों को खूब
आशीर्वाद दे, ये खूब फलते फूलते रहे और खूब भगवान की भक्ति करे, हैं ठाकुर का आशीर्वाद हो, क्योंकि इनके घर में आज कीर्तन एकादश का कीर्तन उन्होंने घर में उन्होंने बुलाया था, लेकिन घर छोटी की वजह से बोले हम मंदिर में कीर्तन को हम मंदिर में करा देंगे, इसलिए इसलिए आप लोग भी एकादशी को सब घर में बुलाना चाहिए ना। एकादशी को देखो उसमें कोई खर्च पैसा खर्चा की कोई बात नहीं बताई है, बोले जो देना है एक एक केला बंटवा दो, केवल इतना ही रखा, क्यों हर घर घर में कीर्तन हो कथा हो, क्या होगा घर घर में कीर्तन कथा होगी तो उसमें तुम्हारी बच्चे परिवर्तन होगा, तुम्हारी बच्चों का जीवन में परिवर्तन होगा है। देखो हम जहाँ जाते हैं ना सारा दुनिया एक ही बात कहता, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, सारा दुनिया एक ही बात कहता है, इसलिए लेकिन घर में भक्त लोग आएंगे साधु संत लोग आएंगे तो क्या होगा, आपके बच्चों का तरफ अच्छी संस्कार पड़ेगी, बच्चे आपकी सेवा करेंगे और सवेरे उठकर क्या करेंगे, बच्चे तुम्हारे प्यार छुएंगे, बच्चे क्या करेंगे पिता माता की चरण छुएंगे, पिता माता के आशीर्वाद मिलेगा, बच्चों को अच्छी संस्कार पड़ेगी, ठीक है ना। आप लोग घर घर में हर एकादशी को बुलाया करो, जिस घर में भक्त लोग आए घर में कीर्तन होना वो घर नहीं वो भगवान का धाम बन जाता है, भगवान की धाम बन जाती, घर से सारे पाप जल जाते, घर से सारे पाप घर से नष्ट हो जाते हैं, जहाँ ठाकुर जी की जिस घर में कीर्तन और कथा हो, इसलिए आप लोग हर एकादशी को बुलाना अपना घर में, ठीक है ना, ये भक्त लोग अपना सबको लेकर के आएंगे और घर में कीर्तन होगा सत्संग होगी घर भगवान की धाम बनेगा, ठीक है। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री राम। अगले एकादशी दो मार्च की है, शनिवार कोई सत्संग लेना चाहता है तो बता दे आपको। देखो अगली जो एकादशी दो मार्च शनिवार को, अगर कोई चाहते हैं हमारे घर में भक्त लोग आए और घर में कीर्तन सत्संग हो, हम लोग श्री प्रेमचंद प्रभु को बलराम प्रभु को आप लोग बोल देना हमारे घर में, इसलिए ये लोग आपका घर में आएंगे और कीर्तन और श्री हरि कथा आपके घर में होगी, ठीक है। जिसको इच्छा है अपना घर में बुला सकते, हरे कृष्ण हरि बोलो। अभी देखो आज एकादशी है ना, हरे एकादशी का मतलब क्या है, एकादशी का मतलब है 11 इंद्रिय, एकादश इंद्रियों को द्वारा भगवान की भक्ति भगवान की सेवा करना, ये एकादशी की महत्व। आज हम भगवान के कीर्तन में नाचेंगे, ठीक है, हम सबके सब संसार में नाचते हैं माया के सामने, आज ठाकुर के सामने नाचेंगे, हरे कृष्ण जो वृंदन करता है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गगनधर शिव सदे गौर भक्त वेद Thank you.
Krishna Govinda, 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 Krishna Govinda,
इधर देखो, इधर से केवल कृष्ण के, कृष्ण के पार्टी के लोग नाच रहे, इधर राधा रानी का पार्टी के लोग चुपचाप खड़े हैं। अरे हारना नहीं चाहिए। देखो अगर आप जब आप लोग बरसाना कभी वृंदावन में गए हो, एक तरफ से राधा जी की पार्टी, एक तरफ से कृष्णा की पार्टी, दोनों में कंपटीशन होता है। लेकिन कंपटीशन में ना राधा रानी की दल जीत जाती है और कन्या का दल हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कन्या का पार्टी जीत रही, राधा रानी का पार्टी जीत जाती है। हारना नहीं चाहिए, ठीक है? बोले हरि बोल, 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 we
श्री श्री गुरु की जय श्री राधा रमण गणे जी की जय जय नित्य लीला प्रतिष्ठा विष्णुपाल भक्ति वेदांत नारायण दूसरे महाराज गुरुदेव की जय जय नित्य लीला प्रतिष्ठा विष्णुपाल शिष्यवर भक्ति वेदांत दूसरे महाराज की जय जय त्रिला प्रविष्टम विष्णु पादशुष्म भक्ति वेदांत भवन दूसरे महाराज की जय जय त्रिला प्रविष्टम विष्णु पादशुष्म भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय जय त्रिला प्रविष्टम विष्णु पादशुष्म भक्ति श्री रूप सिद्धांत दूसरे महाराज की जय जय त्रिला प्रविष्टम विष्णु पादशुष्म भक्ति प्रमोद पुरी दूसरे महाराज की जय जय त्रिला प्रविष्टम विष्णु पादशुष्म भक्ति देवपाल दूसरे महाराज की जय जय त्रिला प्रविष्टम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृपा की जय परमहंस बाबा जी शिवगर विश्वदास गोस्वामी महाराज की जय सच्चिदानंद ठाकुर की जय वैष्णव सार्वभौम श्री गंगाधर बाबा जी महाराज की जय वैष्णव आचार्य श्री गौरव की जय जय श्री कृष्णाचार्य ठाकुर की जय जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद पुत्र की जय जय श्री कृष्णदास गुरुदास गोस्वामी गुरु की जय जय श्री शरद गोस्वामी की जय जय श्री रूप गोस्वामी की जय जय श्री सनातन गोस्वामी की जय जय श्री सनातन गोस्वामी की जय जय श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय जय श्री जीव गोस्वामी की जय जय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय जय श्री गुरुनाथ दास गोस्वामी की जय जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामदादी गोपाल की जय जय श्री रामाचार्य श्रीनिवास ठाकुर की जय प्रेम से प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की जय श्री नंदी धाम की जय महाप्र धाम की जय श्री राधा कृष्ण गुरु गोपी गोवर्धन द्वादश पंड की जय श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय श्री जगन्नाथ मंदिर सुंदरा जी की जय भगवृष प्रहलाद महाराज की जय राष्ट्र भगवान श्री देव की जय चारों धामों की जय चारों आचार्य की जय चारों परंपराओं की जय महाराज की अभी आप सब सुंदर प्रसाद पाएंगे, उसके लिए पंक्तिबद्ध तरीके से बैठेंगे और कल आप सबके लिए बहुत सुंदर उत्सव फिर से है। प्रसाद जो है अभी आप यहाँ प्रसाद पाकर लेकर जाएंगे दोने में और कल यहाँ पर आएंगे सब 10 बजे। 10 बजे के बाद यहाँ पर कथा कीर्तन होगा और उसके बाद फिर प्रसाद होगा।